हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी सी प्रोग्राम में अगर दो स्ट्रिंग को दिया हो और बोल रहा हो कि इसको कंकेटनेट करिए तो कैसे करते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी सी प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले उसकी हेडर फाइल को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसकी हेडर फाइल को लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं, हैज इंक्लूड स्टडियो डॉट एच। उसके बाद हैज इंक्लूड कोनियम डॉट एच। चूंकि हम स्ट्रिंग के प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग के भी हेडर फाइल को लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। उसके बाद एम्प्टी डेटा फंक्शन अर्थात void main को लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट कर्ली ब्रैस ओपन कर देंगे। कर्ली ब्रैस ओपन करने के बाद हम डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर क्या करेंगे, पहले स्ट्रिंग को, क्योंकि दो स्ट्रिंग है तो पहले स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद फिर से दूसरे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद आई को डिक्लेयर करेंगे लूप चलाने के लिए, और एक के भी डिक्लेयर करेंगे लूप चलाने के लिए। चलिए करते हैं। तो चूँकि स्ट्रिंग करेक्टर होता है, करेक्टर का ग्रुप होता है, तो str स्ट्रिंग 1 जिसमें मैक्सिमम 50 करेक्टर आ सकते हैं, स्ट्रिंग 2 इसमें भी मैक्सिमम 50 करेक्टर। उसके बाद आई को भी डिक्लेयर करेंगे इंट आई और के, ठीक। उसके बाद पहले से जो स्क्रीन पर लिखा होगा उसको हम क्लियर करने के लिए clrscr फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद हम पहले, अब इतना हो गया, उसके बाद हम स्ट्रिंग को लिखेंगे। स्ट्रिंग के लिखने के लिए सबसे पहले स्ट्रिंग को इनपुट कराएंगे। तो करते हैं, तो प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग स्लैशन। क्योंकि हम इनपुट करा रहे हैं तो इनपुट के लिए स्ट्रिंग का होता है गेट, पहले स्ट्रिंग को इनपुट करा रहे हैं तो गेट f1। उसके बाद फिर से दूसरे स्ट्रिंग के लिए प्रिंट एफ इंटर सेकेंड स्ट्रिंग स्लैश यन। अब दूसरे स्ट्रिंग को भी इनपुट ही करा रहे हैं तो इसके लिए चलेगा क्या, गेट्स s2। अब लूप चलाएंगे। लूप क्या चलाएंगे, कॉन्केटनेट हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर दो स्ट्रिंग दिया हो, दो स्ट्रिंग, जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ एक स्ट्रिंग का है, जैसे यहाँ लिखा है r a m, और यहाँ नल करेक्टर तो होता है, बिना नल करेक्टर के स्ट्रिंग कहलाएगा नहीं। और यहाँ मान लीजिए लिख दिया है अगर g o, और इसको बोल रहा है कि इसको कॉन्केटनेट कराइए। कॉन्केटनेट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए कॉन्केटनेट कराने पे क्या होगा, r r a m g o। कॉन्केटनेट कराने पे अर्थात इन दोनों को जोड़ने पे यही आना चाहिए। तो इसको लूप के द्वारा हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो लूप चलाएंगे क्या, फॉर i इजकल टू 0 f1 का जो i है वो नॉट इक्वल टू नल करेक्टर के होना चाहिए। उसके बाद i प्लस प्लस, कैसे इसको यहाँ देखते हैं। क्योंकि यहाँ पहला जो स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स नंबर, जैसे इंडेक्स नंबर 0 1 2, और ये नल करेक्टर है ही, यहाँ भी वही होगा 0 1 2। क्योंकि ये i के लिए हो रहा है और ये k के लिए हो रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, फॉर i इक्वल टू 0, i जो हो वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। जो f1 i, जो स्ट्रिंग पहला है, और i f1 स्ट्रिंग i जो है वो नल करेक्टर के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए जो f1 i है वो कहाँ, नल करेक्टर तो यहाँ पे है, नल करेक्टर यहाँ पे है,
अर्थात तीसरे नंबर पे, तो नल करेक्टर के बराबर कहाँ है? तो सही है भाई, नहीं है बराबर। तो जब बराबर नहीं है तो यहाँ क्या करेगा, जो एस वन आई है वो 32, 32 का मतलब होता है जीरो, नल करेक्टर जीरो होता है। उसके बाद जब मान लीजिए जीरो हो गया तो यहाँ क्या करेगा, जो आई नल करेक्टर के बराबर नहीं है, अर्थात आई नल करेक्टर के बराबर नहीं है, तो यहाँ आर को प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ आइए, इतना हो गया, फिर से यहाँ से यहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा आई को। आई यहाँ पे जीरो था, अब यहाँ आई को वन कर दिया, वन कर दिया तो आई वन हो गया। एस वन जो वन है वो नॉट इक्वल टू नल करेक्टर, एस वन जो वन है वो नल करेक्टर के बराबर नहीं है। सही भाई, नल करेक्टर यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो नहीं है, तो नहीं है अर्थात ट्रू है। तो फिर से यहाँ पे एस वन जो टू है, टू नहीं, एस वन वन जो है, यहाँ एस वन वन अर्थात एस वन वन है वो 32 अर्थात जीरो के बराबर नहीं है, तो नहीं है, तो इसको भी ए प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट करेगा आई को, आई यहाँ पर कितना था, आई यहाँ वन था, इंक्रीमेंट किया, अब क्या हो गया, अब टू हो गया, अब टू हो गया, तो टू हो गया, तो यहाँ देखिए जो एस वन आई टू है वो एम है और ये नल करेक्टर के बराबर नहीं है। भाई सही बात है, नल करेक्टर के बराबर नहीं है, नल करेक्टर के बराबर नहीं है, तो यहाँ एम को भी प्रिंट कर देगा, एम को भी प्रिंट कर दिया। अब यहाँ फिर से इंक्रीमेंट जब करेगा तो यहाँ एस वन, यहाँ टू था तब इंक्रीमेंट किया, तब ये हो गया 3। अब यहाँ देखिए जो एस वन एस आई, एस आई, आई का मतलब 3, एस 3 है वो नल करेक्टर के बराबर नहीं है। हाँ ये तो गलत है भाई, यहाँ नल करेक्टर, ये नल करेक्टर के बराबर है, अर्थात ये कंडीशन फाल्स हो गया, यहाँ रन नहीं करेगा, डायरेक्ट यहाँ से छोड़ के यहाँ चला आएगा, अर्थात इस पूरे अब जो ये लूप चल रहा था लूप से बाहर निकल जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा तो प्लस प्लस आई करेगा। तो प्लस प्लस आई का मतलब जो आई यहाँ पे था, ये नहीं कि यहीं पे रुक गया, अब ये आई यहाँ पे उठ के यहाँ पे चला आया है, इसमें का तीसरे जो कंकेटनेट कर रहे हैं, तीसरा जो स्ट्रिंग बन रहा है उसमें आई यहाँ पे चला, यहाँ पे था आई यहाँ पे चला आया। अब क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे, फॉर के इजकल टू जीरो, एस टू जो के है वो नॉट इक्वल टू नल करेक्टर के, और के प्लस प्लस आई भी प्लस प्लस। अब यहाँ देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ ये जो दूसरा स्ट्रिंग है वो के है, तो फॉर के इजकल टू जीरो या के इजकल टू जीरो स्टार्ट होगा, जो एफ टू के है, जो भाई ये दूसरा स्ट्रिंग है एफ टू, ये पहला स्ट्रिंग था एफ वन, तो जो एफ टू है, यहाँ देखिए एफ टू जो है वो के, एफ टू के मतलब एफ टू जीरो वो नॉट इक्वल टू नल करेक्टर, नल करेक्टर तो भाई यहाँ पे है और यहाँ जीरो वन टू यहाँ लिखे हैं, तो नल करेक्टर के बराबर नहीं है, नल करेक्टर के बराबर नहीं है, तो क्या करेगा, जो एस वन आई है वो बराबर एस टू के, यहाँ देखिए कैफे, अर्थात बोल रहा है कि जो एफ टू के, एफ टू के अर्थात जो जी है वो एस वन आई में प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ इंक्रीमेंट करके एस वन आई यहाँ पे आया था, तो जो एफ टू के अर्थात जो जी है वो एस वन आई अर्थात यहाँ पे जी इसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या, यहाँ प्रिंट कर दिया तो फिर से यहाँ पे जाएगा, के प्लस प्लस करेगा, के प्लस प्लस का मतलब यहाँ जीरो था तो अब ये हो गया वन, और आई भी प्लस प्लस करेगा, तो आई यहाँ पे था तो अब उठ के चला आएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे वन हो गया, तो जो के टू एफ टू के जो है वो यहाँ पे जीरो था, अब यहाँ वैल्यू एफ टू वन हो गया, वन हो गया, तो वन पे क्या है, ओ है, वो नॉट इक्वल टू नल करेक्टर के, ना कहाँ नॉट इक्वल टू कर नल करेक्टर के बराबर है, तो यहाँ एफ टू जो के है, एफ टू के का मतलब यहाँ ओ जो है वो एस वन आई में, एस वन आई यहाँ, आई यहाँ था लेकिन अब यहाँ पे चला आया है, तो जो ओ है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट हो गया, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ से जाएगा इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट क्या करेगा, जो के वन था अब इंक्रीमेंट कर दिया, टू हो गया, तो यहाँ हो गया टू, अब जो एफ टू टू है, एफ टू टू,
अर्थात एफ टू टू नॉट इक्वल टू नल करेक्टर के, नॉट इक्वल टू नल करेक्टर, लेकिन ये तो इक्वल टू नल करेक्टर, अर्थात ये कंडीशन हो गया फॉल्स, कंडीशन हो गया फॉल्स, तो यहाँ ये लूप से यहाँ बाहर निकल जाएगा। लूप से बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, जो एफ वन आई है वो बराबर करेगा नल करेक्टर के, नल करेक्टर के बराबर क्यों करेगा, क्योंकि एफ वन जो आई भी इंक्रीमेंट हुआ है, तो आई जीरो को प्रिंट करने के बाद आई इंक्रीमेंट होकर यहाँ आया है, और जो एफ वन आई अर्थात एफ वन जो आई यहाँ आ गया है, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, नल करेक्टर, क्योंकि बिना नल करेक्टर के कोई स्ट्रिंग होता नहीं है, नल करेक्टर प्रिंट कर दिया। नल करेक्टर प्रिंट करने के बाद देखिए, ये दो जो पहला स्ट्रिंग था, दूसरा पहले स्ट्रिंग में था राम, दूसरे में गो, तो राम गो दोनों को कंकेटनेट भी कर दिया, और लास्ट में नल करेक्टर भी अर्थात नल करेक्टर मतलब स्लैश जीरो भी लगा दिया, तो यानी कि हमारा जो स्ट्रिंग था वो कंकेटनेट हो गया, कंकेटनेट हो गया, इसका मतलब ये, उसके बाद इसको हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट के लिए पुट्स एफ वन, क्योंकि एफ वन को एफ टू में कंकेटनेट कर रहे थे, उसके बाद गेट सी एच ब्रैकेट क्लोज, अर्थात ये हमारा जो प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, तो ये दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।